हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर नए जगह में शिफ्ट हो गई हूँ और मैं बीच में नया ब्लॉग कुछ भी नहीं बना रही थी, पुराने वाले ब्लॉग डाल रही थी क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो उसमें जो ब्लॉग था वो रह गया था। तो मैं सोची पहले वो सब डाल देती हूँ क्योंकि मेहनत करके बनाती हूँ ब्लॉग तो उसको फिर डिलीट करने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा मोबाइल बन गया था तो मैं सोची डाल देती हूँ। तो आज से मैं अपना नया मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, न्यू ब्लॉग मेरा, न्यू घर से। और पहले भी एक दो ब्लॉग इस घर से गया होगा जो दो तीन दिन का मिला जुला होगा, मैं ठीक से उस समय बना नहीं पा रही थी ब्लॉग। और हस्बैंड अभी ऑफिस चले गए हैं और मयंक का नाश्ता वास्ता हो गया। अब मैं अपना काम करूँगी, जो बचा कुचा काम है। तो मैं सोची कि आज से अपना ब्लॉग स्टार्ट ही कर देती हूँ इस घर का, और मैं इस घर का भी टूर आप लोगों को करवाऊंगी। और मतलब कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर हम लोग रेंट पर लेकर रह रहे हैं अभी। और जो बगल वाला बिल्डिंग है, चलिए मैं आपको बालकनी से दिखाती हूँ, तो उसी में मेरा अपना फ्लैट है तो उसमें काम करवा के ही हम लोग सोचे कि जाएंगे। ये वाला बिल्डिंग में मेरा उस साइड आगे वाला मतलब है कॉर्नर वाला, ये सब तो पीछे वाला है, आगे वाला इसी बिल्डिंग में है मेरा फ्लैट। अभी उसमें मैं हम लोग काम लगवाएंगे, उसके बाद ही उसमें शिफ्ट करेंगे क्योंकि हस्बैंड बोले कि काम करेगा और शिफ्ट मतलब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और काम करेगा तो फिर धूल डस्ट सब उड़ता रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और गाइस इस घर में बिल्कुल भी कुछ भी करवाया हुआ नहीं है तो मेरा थोड़ा सा मतलब कपड़ा वगैरह सब अस्त व्यस्त ही रहता है। अभी तो पूरी तरह से ठीक मतलब सेट भी नहीं हो पाया और कुछ कहीं भी नहीं है, ना किचन में कुछ बनाया हुआ अलमीरा वगैरह है, कुछ कहीं नहीं है, ना बेडरूम में है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के लिए मतलब कपड़ा के लिए गोदरेज लाएंगे, और यहाँ हमने बर्तन स्टैंड इस तरीके से लगा रखा और डब्बा डब्बी भी स्लेब पर ही रख दिया है। तो मैं तो ये सब आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, मतलब एक बार होम टूर आप लोगों को करवाऊंगी। और कपड़ा वगैरह भी कहीं कुछ रखने का नहीं है, मैं कपड़ा कल शाम में लाई तो यहाँ पर रख दिया इसी तरीके से, देखिए। और कुछ बैग में रखा हुआ है और पूजा के लिए भगवान जी का यहाँ टेबल लगा दी हूँ, देखिए। और ये सब कार्टून रखी हूँ कि कहीं कुछ सामान रखने का होगा। इस तरीके से पूरा घर ही भरा भरा लग रहा है मेरा क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करें क्या नहीं करें। तो अभी देखते हैं, अभी तो ये गोदरेज सोचे हैं लाने के लिए तो बोले आएंगे तो कुछ तो कपड़ा थोड़ा सेट हो पाएगा। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप लोगों का मेरा न्यू घर से न्यू ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं अपना काम में लग जाती हूँ फटाफट। और हस्बैंड नाश्ता करके गए हैं, तो पहले बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद वही काम करूँगी। और फ्रेंड्स थोड़ा सा तो दिक्कत हर जगह आता है, सबको आता ही हो जाएगा, मतलब करेंगे तो आएगा ही। अभी मैं कभी ना आया था तो कपड़ा खोल के रखा, बाद कभी मशीन रखी हूँ उसमें ले जाकर अभी डाल दूंगी इसको। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, गैस स्टोव साफ कर लेती हूँ, फिर मतलब ये सब काम करूँगी। तो अभी मयंक और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो मैं अपना बाकी के काम कर लूँगी। मयंक मतलब स्कूल गया क्योंकि यहाँ तो मैं मेड रखी नहीं हूँ, यहाँ खुद से ही काम करती हूँ। और अभी ज़रूरत भी नहीं है मुझे मेड रखने की क्योंकि वहाँ तो एक बार बीमार पड़ी थी तो मेड रखी थी तो सोची कि चलो रहने देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है और मेरा किचन बर्तन घर सब साफ भी ज़्यादा लगता है। हालांकि अभी यहाँ पर मतलब अच्छे से सामान सब लगाया भी नहीं है, कहीं लगाने के जगह ही नहीं है लग रहा है, जैसे मतलब होटल वगैरह में आए हुए हैं उस तरीके से। लेकिन जब अपना घर बन जाएगा तो सब सेट कर दूँगी तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी काम वाली का। और मैं प्लास्टिक इस तरीके से लगा दी कचरे वाला बाल्टी में ताकि बाल्टी गंदा ना हो, और मैं कचरा वाला प्लास्टिक ही सोच रही हूँ लाने के लिए ताकि बाल्टी में रोज़ लगा दूँगी तो बाल्टी साफ़ सुथरा रहेगा। और फिर मैं बर्तन धोने लगी और यहाँ पर बगल में लगता है किसी के घर में कुत्ता है तो वही भौंक रहा है तो उसका आवाज़ आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं जैसे ही अभी वॉइस ओवर करने बैठी वो कुत्ता भौं भौं करने लगा
और देखिए एक कढ़ाई कितना गंदा हो गया था। आप लोग मुझे देखे होंगे खाना बनाते हुए, कहते होंगे कैसा कढ़ाई है। इसके चारों तरफ मेट क्या की थी ना कि पूरा गंदा कर दी थी, पूरा काला काला था इसके चारों तरफ। अभी थोड़ा बहुत बीच में रह गया, उसको भी मैं हटा ही दूंगी। और जब मैं खुद से धोने लगी तो देखिए कैसा साफ हो गया है। पिछले वाला ब्लॉग में यही कढ़ाई कैसा लगता था और कितना गंदा लगता था, और अभी वही कढ़ाई कितना अच्छा लग रहा है और साफ लग रहा है। और अभी जो भी थोड़ा बहुत है मैं उसको धीरे धीरे करके सब कालेपन को हटा दूंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और वो पता नहीं कैसे धोती थी, पूरा एकदम इतना परत पड़ गया था कालेपन का कि मुझे खुद ही देख के लगता था घिन जैसा कढ़ाई को। और मैं सोच रही थी कि इस कढ़ाई को अलग हटा कर रख दूंगी और दूसरी कढ़ाई ले आऊँगी, लेकिन जब मैं इसको धोने लगी तो धोते धोते इसका जब निकल गया पूरा कालापन, तो देखिए अब अच्छा लगता है। अब मतलब सही वीडियो में भी अच्छा लगता है, नहीं तो पहले लगता था कि आप लोग क्या सोचेंगे कि कितना गंदा कढ़ाई में मैं खाना बनाती हूँ। तो यही सब होता है मेड रखने का नुकसान। काम से तो थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन बर्तन का घर का पूरा कचरा हो जाता है, और बहुत जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उतना गंदा बर्तन में कैसे खाएंगे, देखने से भी अजीब लगता है ना। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, अभी तो मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जैसे सिलेंडर से जो पाइप चूल्हा में लगता है उसके लिए होल भी नहीं कराया हुआ है, मैं इस तरीके से बाहर से ही पाइप लगा दी, क्योंकि जिनका घर है वो केवल पूजा करवाए हैं और कुछ भी मतलब नहीं, वो सोचे थे कि बनवा कर यहाँ फिर फैमिली को लाकर रखेंगे, सब कुछ बनवाएंगे, लेकिन उनका फिर ट्रांसफ़र आ गया तो वो छोड़ दिए किराया के लिए घर, और किराएदार के लिए कौन इतना करता है, तो इसीलिए वो छोड़ दिए। तो थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम आता है कि सिलेंडर मतलब लगा हुआ बाहर से है पाइप, तो चूल्हा एकदम आगे के साइड में रहता है, पीछे जा नहीं सकता, उतना बड़ा पाइप है नहीं। और फिर देखिए गैस और सिलेंडर साफ हो गया, गैस और स्लेब साफ हो गया, तो यहाँ पर मैं मशीन में कपड़ा डाल दी, और सिलेंडर के बात कर रही थी इसलिए मुँह से सिलेंडर निकल गया था। और फिर सोफ़ा के कवर वगैरह भी ठीक कर लूँगी, थोड़ा इधर उधर हो रखा है, उसके बाद अभी झाड़ू पोछा करूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और वहाँ का हो गया, तो फिर बेडरूम में आ गई और बेडरूम का सब ठीक ठाक कर लूँगी अभी, और बेड वगैरह झाड़ कर थोड़ा सा सेट कर दूँगी। और यहाँ ये मैट्रेस खरीदे थे, जब बेड खरीदे थे हस्बैंड हम लोग के आने के पहले ही वो बेड और मैट्रेस खरीद कर लाए थे। और देखिए पता नहीं कैसे इस पर सिंदूर का दाग लग गया है, पता नहीं मैं किसी चीज़ को सिंदूर को रख दी थी या क्या रख दी थी, और उसको मैं फिर भिंगा कर कपड़ा से साफ की तो साफ भी नहीं हुआ, और पूरा बेकार जैसा लग रहा था। सिंदूर शायद गिर गया था या सिंदूर से लगा हुआ कोई चीज़ रखा गया था, मुझे याद भी नहीं, जब मैं देखी तो सोची कि पता नहीं कहाँ से कब लग गया इस तरीके से सिंदूर। तो अभी मैं बेड को ठीक कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ आगे के ब्लॉग में। ठीक करने के बाद झाड़ू लगा ली थी और झाड़ू लग गया,
था तो फिर मैं पोछा लगाने लगी। तो अभी पूरा घर में पोछा लगा लूँगी और मॉप से ही पोछा लगाती हूँ मैं, मतलब बैठ कर नहीं लगा पाती, थोड़ा सा बैठ कर दिक्कत होता है आगे पीछे होने में, तो मैं मॉप से ही अभी पूरा घर में पोछा लगा लूँगी। और टाइल्स में बड़ा अच्छा लगता है पोछा लगाने के बाद ना, इतना साफ सुथरा रहता है, लगता है कि क्या ही बताएं, मतलब वो टाइल्स में गंदा भी बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा गंदा लगता है देखने में, हल्का सा भी गंदा रहता है, लेकिन जब साफ़ करिए तो पूरा एकदम अच्छा लगता है देखने में। तो वही, और मेरा तो क्या है ना कि इस समय भी साफ़ कर दूंगी तो पूरा दिन साफ रहेगा, क्योंकि हस्बैंड, मैं अकेले रहती हूँ, हस्बैंड भी रहते नहीं, मयंक भी 3:30 बजे तक आता है, तो घर में तो मैं अकेले ही रहती हूँ, तो पूरा घर ही साफ सुथरा रहता है। इस तरीके से इस समय मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो और कचरा लेने वाला यहाँ पर सोसाइटी में सबके घर के पास ही जाता है, 2-3 लड़का है जो कि कचरा ले जाता है। और बरामदा वगैरह जो है हम लोग के, मतलब घर के आगे जो रहता है ना बरामदा, ये बड़ा सा जिसमें सभी के डोर रहता है, लिफ्ट रहता है, उसको साफ़ करने के लिए भी वो लोग आता है, तो वही लोग झाड़ू पोछा सब करके जाता है। तो पूरा मतलब इस तरीके से अच्छा लगता है। और देखिए बेडरूम के तरफ भी एक बालकनी है, तो उसमें भी मैं पोछा लगा ली, अब बेडरूम में पोछा लगाऊंगी और फिर सारा काम हो ही गया तो अब मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, और आप लोगों से अब मिलूंगी नहाने के बाद, क्योंकि अब मेरा सारा काम हो गया है, बस बेडरूम में भी पोछा लग गया, अब नहाने जाऊंगी। तो गाइस मेरा नहाना धोना हो गया है और ये तार क्या लटका हुआ है दिखाती हूँ, चार्जर का तार, और यहाँ से वाईफाई के लिए गया है। तो नहाना धोना हो गया, थोड़ा मेकअप शेकअप भी हो गया है, और फिर अब थोड़ी देर में चावल बनाऊंगी, बाकी का खाना तो बना हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी मेरा पूरा घर ही इसी तरीके से है, तो क्या ही आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करूँ। और मुझे लगता नहीं कि इस घर में मतलब अच्छे से हो पाएगा सेट मेरा, मतलब सामान, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ना किचन में है, ना बेडरूम में है, ना रूम में है, कहीं कुछ नहीं है, तो क्या ही अच्छा से सेट हो जा पाएगा मेरा सामान। ये फिर इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।